हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीजे विजन। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे इस टाइप का हम लोग ओल्ड वुडन चेस्ट हम लोग बना सकते हैं। ये मैंने कुछ रेफरेंस ले लिया, इसी एक को हम लोग चूज करके उसी हिसाब से बनाएंगे। तो ये नीचे का जो है वो हम लोगों ने चूज कर लिया, एक बेसिक ये मॉडल के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोगों को जो बेस का पार्ट है उसके लिए हम लोगों को एक बॉक्स चाहिए होगा। एक बॉक्स हम लोगों का क्रिएट हो गया। अब इसके जो ऊपर का फेस है वो हम लोगों को नहीं चाहिए, तो हम लोग वो डिलीट कर देंगे। अब जिस हेड का जो बॉर्डर है उसके लिए हम लोग जितना भी एज है वो हम लोग एक्स्ट्रा सिलेक्ट करके हम इसमें बेबी ऐड करेंगे। ऊपर का जो पार्ट है इसमें बेवल नहीं गया तो इसमें हम लोग अलग से कट ऐड कर दिए सेम डिस्टेंस का। अभी ये जो फेसेस है साइड का इसे सिलेक्ट करके हम लोग एक्सट्रूड करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो बॉर्डर है उसमें हम लोग को डेप्थ चाहिए। ये जो कॉर्नर का एरिया है इसमें जो डिजाइन है हम लोग क्रिएट करेंगे, हम इसे भी बॉक्स से क्रिएट कर सकते हैं। तो टॉप व्यू से हम लोग बॉक्स क्रिएट करेंगे, फिर उसे हम लोग मॉडिफाई करेंगे। ये हम लोग का साइज एडजस्टमेंट हो गया ऑलमोस्ट। अभी इसके जो बैक साइड के फेसेस है वो हम लोग को नहीं चाहिए, जो हाइड है तो हम लोग वो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट हो जाने के बाद हम लोग इसको मॉडिफाई करने के लिए डिवीजन ऐड करेंगे। तो मल्टी कट टूल से हम लोग ये डिवीजन ऐड कर सकते हैं। पहले ये जो वर्टिसेस है इसे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये मैंने कोई डिवीजन ऐड कर दी ये डिजाइन के हिसाब से, और भी थोड़ा चाहिए होगा तो क्लिक करके ऐड करेंगे और उसे मॉडिफाई करेंगे। ये हम लोग ऑलमोस्ट डिजाइन क्रिएट हो गए। अब इसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके एग्जैक्ट जैसे चाहिए ऐसा हम लोग क्रिएट कर देंगे। अभी फेस सिलेक्ट करके इसको हम लोग एक्सट्रूड कर देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा डेप्थ चाहिए हम लोग। अब इसको हम लोग बॉक्स के जगह पे प्रॉपर एडजस्ट कर देंगे। ये प्रॉपरली जगह एडजस्ट हो गया। अब ये जो सिलेंडर जैसे है वो हम लोग क्रिएट करेंगे सिलेंडर से। ये शेप में ये चाहिए होगा तो इसे थोड़ा आगे भी लेके आ जाएंगे और ये पॉइंट सिलेक्ट करके थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। ये कुछ होल्डिंग एजेस ऐड कर दी। ये वर्टिसेस को आगे लेकर जाएंगे। ये हम लोग एडजस्ट हो गए। अभी इसमें जो ऐसे डिवीजन था वो हम लोग ऐड कर देंगे और मिडिल में भी आप एक दो कार्ड हम लोग ऐड कर सकते हैं। जब थ्री पेस करेंगे ज्यादा स्मूथ नहीं होगा। ये हम लोग क्रिएट हो गए।
चाहे तो इसे और थोड़ा अंदर ऐसा रख सकते हैं। अब ये दोनों सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना लेंगे, इसे सेंटर पिवट कर लेते हैं क्योंकि इसे हम लोगों को अभी कॉपी करके अलग अलग जगह पर ऐड करना है, जैसे कि ये चारों कॉर्नर यहाँ पे लेके आ गए। डुप्लीकेट करके इसे हम लोग मिरर कर देंगे, ये ठीक हो गया। अभी ये दोनों ग्रुप एक साथ में सिलेक्ट करके हम लोग ये साइड में कॉपी कर लेंगे और ये एक्स एक्सिस में चेंज कर देंगे। तो ये हम लोगों का क्रिएट हो गया। ऊपर का जो एरिया है इसके लिए हम लोग एकदम सिंपल सिलेंडर से क्रिएट कर लेंगे। ये आ गया, अभी डिवीजन से गैप में एक ऐड करेंगे, बाकी अभी के लिए कुछ चाहिए नहीं। थोड़ा हम लोग ऐसे बाहर कर लेंगे, सेम इसे भी। अभी क्या है, इसका जो हाफ पार्ट है वो हम लोग डिलीट करेंगे। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कितना चाहिए। तो इसके जो रेडियस है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अभी आधे हम लोग डिलीट कर देंगे ऐसे। तो ये हम लोग का क्रिएट हो गया, इसमें जैसा है वैसा ही ये जगह पे भी आएगा। तो अभी क्या दिख रहा है, ये छोटा हो गया। तो पहले ये जो एजेस है इसे हम लोग थोड़ा अंदर के साइड में लेके आएंगे। उसके बाद जो फेसेस है उसे स्केच करके हम लोग एक्सट्रूड करेंगे। उसके साथ ये साइड में भी हम लोग को चाहिए, तो पहले वो क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट हो गया, अब इसे थोड़ा स्केल करके छोटा करना है, ये साइज में बड़ा हो गया। यहाँ पे जो डिजाइन है वो हम लोग कुछ इस टाइप का बना सकते हैं। ये जो फेसेस है इसे सिलेक्ट कर दें, ये हो गया। अभी फिर से हम लोग इसे ऑफसेट करेंगे, ये एक्सट्रूड करेंगे, फिर ऑफसेट करेंगे, फिर एक्सट्रूड, ऐसे थोड़ा अंदर। तो ये डिजाइन हम लोग क्रिएट हो गया और ये दोनों साइड में हो गए। जब भी इसे हम लोग होल्डिंग एज दे देंगे वो एकदम सही हो जाएगा। ये जो एजेस है इसे हम लोग ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं हल्का सा। इसमें क्या होगा, इससे हम लोग ये जो फेसेस है इसे हम लोग सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करके इसको बराबर कर ले सकते हैं। जो ओपन वर्टिसेस है जैसे कि ये जगह पे हो तो हम लोग उसे मार्च कर सकते हैं, बीच में जो गैप है वो फिल हो जाएगा। ये हम लोग क्रिएट हो गया। अभी ये जो मिडिल में जो डिजाइन है वो हम लोग क्रिएट करना है। ये डिजाइन दोनों में सेम रहेगा, मतलब तो नीचे जैसे है ऊपर भी ऐसे ही रहेगा, तो हम लोग उसी के हिसाब से हम लोग इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये अलग से भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर एक्सट्रूड करके करेंगे तो वो इजी हो जाएगा, लेकिन इसमें जितना डेप्थ दिए थे उतना नहीं होगा, इसमें कम होगा। तो हम लोग मल्टी कट से जैसे फ्रंट व्यू में आ गए,
इसमें जो नीचे का पार्ट है वो माइनस हो जाएगा, ये नहीं आएगा। ये हम लोगों का क्रिएट हो गया। अभी इसके ऊपर जो है वो ऑडिट लेयर वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अभी इसमें जो ये रिवेट्स है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और कोई चेंज जैसे कि ऊपर में और एक डिवीजन है जिसके साथ कुछ डिजाइन्स है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है एक पूरा में है लेकिन एक पे पूरा में नहीं है, तो हम लोग ये जो बनाएंगे और ये ऊपर का दोनों एरिया भी हम लोग स्ट्रिप कर लेंगे। अब ये जो कॉर्नर्स एरिया है इसमें देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा अलग सा डिजाइन है, तो ये हम लोग अलग से बना सकते हैं। ये सिंपल बॉक्स हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। इसमें से पूरे एज को सिलेक्ट करके हम लोग इसमें बेबल लेंगे और इसे सैंपल को ऑफ करेंगे, फ्रैक्शन को एकदम कम कर देंगे। उसके बाद ये जो फेसेस है सिर्फ ये दोनों फेस को सिलेक्ट करके सिंपल इसे कॉपी करके ये साइड में लेके आएंगे, यहाँ पे जी बैकग्राउंड इसे माइनस कर देंगे। ये जो छोटे छोटे रिवेट्स है वो हम लोग को क्रिएट करना है, तो हम लोग ये सिंपल सा सिलेंडर से क्रिएट करेंगे। तो ये हम लोग सिंपल सा स्फीयर से क्रिएट करेंगे। ये जो स्फीयर है इससे हम लोग 50% रखेंगे, 50% डिलीट कर देंगे। अभी इसे ही हम लोग अलग अलग जगह पे ऐसे कॉपी कर लेंगे। थोड़ा वेरिएशन के लिए हम लोग स्केलिंग में थोड़ा चेंज कर सकते हैं या थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट सेम नहीं दिखेगा जैसे कि यहाँ पे है, इसलिए हम लोग कॉपी करके यहाँ पे भी लेके आ जाएंगे। अब ये जो फ्रंट पे पैट बचे हैं इसे हम लोग रेफरेंस लेके कर सकते हैं, जैसे कि ये जो इमेज है इसे डायरेक्टली हम लोग ओपन करके फ्रंट व्यू तो चलिए ऐसे करते हैं, लेकिन ये फ्रंट व्यू में ओपन करेंगे तो ऐसा आएगा, हम लोग को साइड व्यू में ओपन करके करना पड़ेगा। इमेज पे इंपोर्ट कर लेंगे और हम लोग ये व्यू से स्टार्ट करेंगे बॉक्स। ये बॉक्स क्रिएट हो गए, अभी इसे सिलेक्ट करके हल्का सा स्केल कर लेंगे, जैसे यहाँ पे डीप थे उस हिसाब से और ये स्केल करके छोटा। अभी मिडिल में कट ऐड करेंगे और जहाँ जहाँ पे हम लोगों जो चेंजेस करना है उसी जगह पे हम लोग ऐड करेंगे, बस इतना ही चाहिए। ये जो पॉइंट है ये इधर ऊपर आएगा और बाकी जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा। ये स्केल होकर ऐसे अंदर आ जाएगा, ये थोड़ा बाहर, होल्डिंग एजेस दे देंगे तो ये साइड से पतला नहीं होगा,
अच्छा रह जाएगा। मुझे यही चाहिए। एक ऑब्जेक्ट हम लोग को क्रिएट हो गया। अभी दूसरा जो है वो क्रिएट करना है ये पार्ट का। तो पहले हम इतना क्रिएट करेंगे, उसके बाद ये बनाएंगे। अभी यहाँ पे जो डिवीजन चाहिए यहाँ पे ऐसा पतला होगा और इसके साथ ये अटैच रहेगा। अभी ये दोनों फेसेस हैं, इसे सिलेक्ट करके हम लोग एक्सट्रूड करेंगे। बाद में इसे एडजस्ट करते हैं, पहले इसे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। बस ये हम लोग क्रिएट हो गए। अभी सिंपल सा है, इसे हम लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं। जो अंदर का साइड है वो लगभग ऐसे ही रहेगा, जो बाहर का जो साइड है उसे हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि ये छोटा हो गया, ये दोनों फेसेस को सिलेक्ट करके ब्रिज कर देंगे तो ये कनेक्ट हो गया। ऐसे थ्री फेस करेंगे तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों का जो वर्टिसेस है वो हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर देंगे तो ठीक ठाक आ जाएगा। इसमें थोड़ा डिवीजन दे देंगे तो और भी अच्छा आ जाएगा। ये हम लोग क्रिएट हो गया सेम। इसमें भी हम लोग ये साइड में होल्डिंग एज दे देंगे, इस साइड में भी इसमें चाहिए होगा। अभी ये दोनों जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। पहले ये जगह पे एक बॉक्स आ जाएगा, ये वर्टिस तो नीचे आएगा इतना तक, इसका थिकनेस इतना ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा रहेगा। हम लोग ये भी इसे भी इसे फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों सेट करके तो हम लोग अंदर ले सकते हैं इतना, और इसे और थोड़ा इस टाइप का। ये इसमें हल्का सा बाहर रहेगा, ज्यादा नहीं। ये हो जाने के बाद हम लोगों को ये आएगा। अभी इसे हम लोग को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए हम लोग लैटिस यूज कर सकते हैं। लैटिस पॉइंट को सिलेक्ट करके हम लोग इसे लैटिस के लिए अलग एक वीडियो है, आप लोग वो चेक कर सकते हो। हो जाने के बाद हम लोग इसे सिलेक्ट करके व्यू 60 कर देंगे तो वो चला जाएगा। अभी इसके ऊपर आ जाएगा हम लोग ये भी हम लोग ऐसे ऐड कर देते हैं। नीचे का एरिया के लिए हम लोग सिंपल एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, बाकी जो डिजाइन है वो बाद में आ जाएगा। एकदम हल्का सा रहेगा, पतला जो एजेस है इसमें हम लोग ग्रेविल ऐड कर देंगे।
फिर इसको सिलेक्ट करके हम लोग एक्सट्रूड कर देंगे और इसमें एक दो डिवीजन भी ऐड कर देंगे। पहले हम लोग इसे स्केल करके छोटा कर देते हैं, उसके बाद हम लोग डिवीजन ऐड कर देंगे। चाहे दो मिनट को सिलेक्ट करके हम लोग डिवीजन ऐड कर देंगे। क्रिएट हो गया, ये ऐसे थोड़ा ऊपर आ जाएगा और इसके साथ मैच हो जाएगा। ये लॉक कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे ऐसे ग्राउंड शेप का ऑब्जेक्ट चाहिए। इसके लिए हम लोग ये सिलेंडर से कर सकते हैं। कैप जो है इसे हम लोग ऑफ कर देंगे। यहाँ पर पहले हम लोग इसे 50% डिलीट कर देते और इस ये भी हमें डिलीट कर देते, सेफ रहेगा। ये जो बाहर का ये जैसे इतना अभी इसे स्केल करके ऐसे बड़ा कर देंगे। यहाँ पे वर्टेक्स मोड में आके ये वर्टेक्स शीट करके ऑन करके हम इसे स्केल कर देंगे तो नीचे का साइड थोड़ा पतला हो जाएगा। अभी फेस मोड में पूरा सिलेक्ट करके हम लोग इसे एक्सट्रूड करेंगे तो इसमें थिकनेस आ जाएगा। थोड़ा रिफाइन के लिए हम लोग ये जो एजेस है इसको थोड़ा अंदर ले सकते हैं। ये एजेस से यहाँ पे भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया थोड़ा ऐसे आएगा, ये भी थोड़ा अंदर ले जाएगा। बाकी जो रिमेक्स वगैरह है वो सिंपल सा कॉपी करके हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो रिमेक्स थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, ये मैंने स्किप कर दिया क्योंकि ये बहुत ईजी प्रोसेस, सिंपल सिलेंडर को कॉपी पेस्ट किया हुआ है और कुछ नहीं। अभी हम लोग ये साइड में जो डिजाइन है वो क्रिएट करना है, बाकी ऑलमोस्ट हम लोगों का कंप्लीट है। कुछ चाहे तो अलग से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपली हम लोग ऐसे ये बॉक्स क्रिएट हो गए, इसके साथ एक हम लोग ये जो ऊपर का फेसेस है वो हम लोग डिलीट कर देंगे। सिंपल ये दोनों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना लेंगे और सेंटर पिवट करके इसलिए हम लोग एक मिरर कर लेंगे। ये इसमें नीचे सिंपल इससे हो जाएगा। डेप्थ इसमें भी जितना है उतना ही होना चाहिए तो ठीक ठाक लगेगा। सेम ये दोनों के लिए। अभी ये जगह पे हम लोगों को हैंडल क्रिएट करना है जिससे इसे हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है इस टाइप का भी बना सकते, कुछ और डिफरेंट टाइप का भी बना सकते, एकदम सिंपल सा है तो हम लोग टोरस से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट हो गया, अभी जो रेडियस है ये कम कर देंगे तो सेम बन जाएगा। यहाँ पे इसका जो होल्डिंग है ये क्रिएट करने के लिए सिंपल हम लोग ये जो फेस है इसी फेस को हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये कॉपी क्रिएट हो गया, इसे हम लोग रजिस्टर कर देंगे, ग्रुप से बाहर लेकर आ जाएंगे। इससे दोनों के अलग अलग ग्रुप बना दिए, अभी इसको हम लोग का ईजी होगा यूज करने में। इसका डेप्थ चाहिए तो हम लोग थोड़ा इसमें डेप्थ ऐड कर दी और इसकी जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा।
जिसकी ये होल्ड हो सके, और थोड़ा एक दो डिवीजन ऐड कर देंगे तो ये ठीक चल जाएगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट टाइप का है जिसके ऊपर ये होल्ड है, तो हम लोग ये भी सिंपल बॉक्स से बनाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा डिजाइन क्रिएट कर देंगे। इसमें हम लोग का सिंपल कुछ डिवीजन चाहिए होगा, ये साइड में एक डिवीजन देते हैं और बाकी अलग अलग जगह पे, ये एकदम सेंटर है। उसके बाद हम लोग जहाँ पे चाहिए होगा वहीं पे ऐड कर देंगे। अब इसमें जो भी डिजाइन चाहिए होगा वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये जो रिबिट्स है वो ये साइड में भी सेम आएगा, इससे फिर हम लोग छोटा छोटा क्रिएट कर लेंगे। ये हम लोग क्रिएट हो गया। आज के लिए वीडियो इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।